मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए अभी 3 चरणों का चुनाव होना बाकी है और इस सिलसिले में इंदौर जिले में वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रशासन ने ओपन एयर कैनवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ा कैनवास दिखाया गया और नागरिकों को वोट को लेकर जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। चुनाव आयोग के मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी या स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में एक बड़ा कैनवास दिखाया गया। इस पर नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया। मतदाता जागरूकता के लिए कई सारे हमारे द्वारा प्रोग्राम करे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी स्वीप का नोडल है और जिला प्रशासन के अंडर में हम लोग काम करके मतदान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा इवेंट है, ये ओपन एयर कैनवस है। 100 फिट का एक कैनवस हमने रखा है, उसमें जो इंदौरियंस हैं, जो वोटर्स हैं, वो आके अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं और खुद तो प्रेरित हो ही रहे हैं वोट करने के लिए। वोटिंग थीम पे पेंटिंग बना के और भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये कार्यक्रम इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से कराया। काफी सारे अलग अलग इनोवेटिव तरीके हम लोग सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा कार रैली, बाइक रैली, वॉकेथॉन, मैराथन, शपथ और कितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो निजी हों, चाहे सरकारी हों, चाहे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हों, सबको साथ में लेके हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदौर में 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे।